रमन व्यक्ति की देखो रसखान कहते हैं ब्रज में आकर के ना दो काम जरूर करने चाहिए। बोले क्या दो काम? बोले रमन रेती लेट हो नहीं यहाँ पर जरूर आकर लेट ना चाहिए सब लौट पुट खा रहे हैं। रमन रेती लेट हो नहीं और क्यों ना जमुना पान है इसलिए कहते क्यों ना जमुना पान। दूसरा काम करनी चाहिए जमुना में की आचमन और यमुना में स्नान करनी चाहिए। कहते अगर ये दो चीज नहीं किया ना कहते फिर तो ये ब्रज का महत्व को तुम नहीं समझ सकते हो। इसलिए जरूरी ये दो काम दोनों करनी चाहिए। भगवान तो गए जगत छोड़ करके लेकिन वो हमारे लिए तीन चीज छोड़ कर गए। कितना चीज छोड़ कर गए? क्या क्या छोड़ कर गए बोलो? बोले एक गिरिराज गोवर्धन छोड़ कर गए। बोले गिरिराज महाराज की जय। और दूसरे चीज उन्होंने ये धाम को छोड़ कर गए हैं। और तीसरे चीज क्या छोड़ कर गए? बोले यमुना महारानी छोड़ कर गए। जो तीन चीज है ना बड़े बलवान ये तीन चीज है जो हमारी कल्याण करने वाले ये तीन चीज है। इसलिए ब्रज रज की इतने महत्व है जो हम तिलक लगाते हैं। क्या है? नारद जी यही ब्रज रज है जो कृष्ण को जब सर दर्द बुखार हुई बोले कोई भक्त अगर हमें ब्रज रज दे दे हैं ब्रज रज अपना चरण धूलि दे दे उससे स्नान करने पर सही हो जाएंगे। लेकिन ये किसने भी दिया नहीं दिया तो कौन दिया? जब नारद जी ब्रज में आए ये ब्रजवासियों ने दिया ये चरण धूलि दिया। इसको ले करके नारद जी द्वारका में गए भगवान को स्नान कराया गया तो वहाँ पर एक गोपी तालाब है जो मिट्टी आता है ना जो तिलक लगाए वो गोपी तालाब से आते हैं वहीं से ये धूल आता है इसलिए हम तिलक लगाते हैं। क्योंकि जो ब्रज रज है कहते जितने सारे शक्ति है ना भक्तों को कहाँ बरबल चरण में इसलिए हम भी ठाकुर का चरण स्पर्श करते हैं। संतों की बुजुर्गों को कि कहाँ चरण कहाँ छूते हो चरण छूते हैं क्योंकि जितना सारे शक्ति है ना वो चरण में ही है। और ये जो ब्रजरज क्या है कहते इनकी ये चरण धूल ये ब्रजरज ये चरण धूल है इसलिए हम सबके सब इसको तिलक रूप में ये ब्रजरज को तिलक रूप में हम लोग धारण करते हैं। इसलिए बोले एक समय भगवान कृष्ण जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना अभी तो शहर हो गया कोई तो गांव तो है अब खेल हो गया बच्चे लोग हम भी गांव में खेलते थे हमारा गांव तो गांव ही गांव था इसलिए वो क्या करते थे इसको लेकर के जैसे बचपन में अब तो कभी खेले नहीं होंगे जैसे प्यार को ऐसे रख करके ऊपर प्यार के ऊपर में हम खेलते थे ऐसे रख लेते मिट्टी रख करके देखना जब अपना प्यार को निकाल दो ना ऐसा घर बन जाता। अभी दाम वसुदाम श्रीदाम मिल करके वो प्यार रख करके उसको ऊपर में क्या करते थे उसको ऊपर धूल रख करके निकालते थे उसको ऊपर मोर पंख लगा देते थे कुछ पेड़ का पत्ते लगा लेते थे लगा करके क्या करते थे बोलते ये मेरे किचन रूम ये डाइनिंग रूम मेरे बेडरूम अभी ये सबके सब बनाए। अभी कृष्ण सोचे भैया मेरे को भी तो दो चार घर बना देने चाहिए ना। अभी कृष्ण लेकिन जब प्यार रख करके उसके ऊपर मिट्टी धूल रख करके जब प्यार निकालते ना वो धस जाता है प्यार रखते धस जाता है। अभी कृष्ण का एक भी घर नहीं बना सखा लोग खिली उड़ा रहे कन्या का एक भी घर नहीं बना। इतने में जो स्वर्ग में जो देवता लोग होते थे वो देख देख कर बोले हे भगवान जिनकी एक इशारा पर क्या होता है अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति और प्रलय हो जाता है। ठाकुर जी आज एक मिट्टी का घर बनाना चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है इसलिए मैं भगवान कृष्ण ने क्या किया उन्होंने सखा लोगों का जो घर बना था ना जैसे बचपन में जो खेलते थे कृष्ण गए सबका घर को तोड़ फोड़ दिया जब मेरे घर नहीं बना तुम्हारे घर हम क्यों बनने दे। इसलिए कृष्ण यहाँ पर आकर सखाओं के साथ में ये धूल में खेलते थे इसलिए श्री उद्धव इसलिए कृष्ण जो मिट्टी खाए ना अभी ब्रह्मांड घाट गए थे ना कृष्ण मिट्टी क्यों खाए कारण क्या है कल यही रहस्य है। ये ब्रज धूल है ये ब्रज गोपियों का चरण धूलि है इसलिए भागवत में भगवान खुद भागवत में कहते हैं क्या कहते हैं ठाकुर जी बोले अनु ब्रजामि अहम नित्यम हुए एक अंधी रेणु भी कहते मैं भक्तों का पीछे 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 चलता हूँ। बोले क्यों चलते हो? बोले भक्तों की चरण धूलि पाने के लिए। बोले क्यों भक्तों का चरण धूलि क्यों चाहते हो? बोले पूरे एक पवित्र बनने के लिए। कहते क्या वो अपवित्र हो गए? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले भक्त लोग मेरे को देते हैं मेरी सेवा करते हैं अगर मैं भक्तों को बोलता भैया कुछ ले लो लेकिन भक्त क्या बोलते हैं? बोले न धनम
न जन्म न सुंदरी कविताबा जगदीश का प्रभु हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं, धन जन पुत्र पर किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल आपके चरण की भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए। इसलिए भगवान सोचते हैं भक्त लोग तो देते नहीं और मांग बोलने पर कहते तुम्हारी सेवा दो, मैं तो इनकी ऋणी ऋणी बनते जा रहा हूँ, पर इनकी ऋणी से उऋणी कैसे बनूंगा। बट अगर किसी भक्तों का चरण धूली ले ले तो पवित्र हो जाओ, लेकिन कोई भक्त भगवान को चरण धूली देगा, कौन देगा, कोई देगा, कोई देगा नहीं। इसलिए ठाकुर बोलते हैं मैं भक्तों का पीछे पीछे चलता हूँ, जब चलेंगे धूल तो उड़ेगा, जब धूल उड़ेगा मेरे सर पर पड़ेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मतलब जो रज है इसकी इतने महत्व है, इसलिए भगवान कृष्ण मिट्टी तक आए, मिट्टी तक आए, लेकिन भगवान ने क्या किया, उन्होंने बछड़े बन गए। जब ब्रह्मा जी कृष्ण का बछड़े को चोरी करके ले गए ना, स्वयं बछड़े बन गए। बछड़े बन के क्या करते, जैसे गैया घास खाते हैं ना, जब आप कोई घास खाते हैं क्या होता है, जो पृथ्वी का जो सुगंध नाक में अपने आप आती है। इसलिए भगवान बछड़े बन करके गैया बन करके ब्रजरज की जो सुगंध को भी ठाकुर जी ग्रहण करते थे। इसलिए उद्धव जी भागवत में जब ब्रज में आए, उद्धव जी क्या कहते हैं, बोले आशा महो चरण रेणु जुसा मांग श्याम वृंदावन किमती गुलम लको सदुना। ये कौन कह रहे, उद्धव जी कह रहे, बोले प्रभु अगर वृंदावन में अगर मैं कहीं घास बन जाऊंगा ना, हैं जब ब्रज गोपियां चल करके जाएगी, चल कर तो जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा, कम से कम उनकी चरण धूल तो मिल जाएगा। अगर यहाँ लता पता बन जाएंगे कभी तुलस में लीला तो दर्शन करने को मिलेगा, अगर हम यहाँ औषधि वृक्ष बन जाएंगे, अगर कभी ये बीमारी पड़ेंगे ना कम से कम दबा तो लेंगे, उनका हृदय में चले जाएंगे। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति, ब्रह्मा भी यहाँ पर पत्थर जन्म की इच्छा की। इसलिए जितने हमारे संत है ना, कहना राधे तेरी चरण की रज धूल जो मिल जाए। इसलिए यहाँ कितना महत्व है, इसलिए यहाँ कितना महत्व है, यहाँ पर लौट उठ खाओ सबके साथ, सब यहाँ पर लौट जाओ।